नमस्कार। आफ्टर प्रिपरेशन टुडे आई इंट्रोड्यूस आसनस। आसनस को चार प्रकार की स्थितियों में करते हैं, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुबाई। आज हम आपको कुछ आसनस स्टैंडिंग पोजिशन में बताएंगे कि किस तरह से करना है और किस तरह गलतियों पर ध्यान देना है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे और आसन करते समय ध्यान देना है। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देना है जो काउंटिंग, जो टीचिंग करते हैं काउंटिंग होता है और जो ब्रीदिंग होता है और जो बेंडिंग होता है, तीन एरिया में हमको ध्यान देना है। काउंटिंग के साथ चलना है और श्वास प्रश्वास से गति को बराबर बनाए रखते हुए ये अभ्यास करना है। स्टैंडिंग पोजीशन में पहला अभ्यास है अर्ध कटी चक्रासन। जॉइन द हील्स एंड टूज टुगेदर। अर्ध कटी चक्रासन। अर्ध मतलब आधा, कटी मतलब कमर। लैटरल बेंडिंग पोज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। हर आसन के कॉम्प्लीमेंट्री आसन होते हैं। कल्चरल एंड स्टैंडिंग पोज काउंटिंग के साथ करेंगे। स्थिति तलासन। राइट हैंड साइड जॉइन द हिप्स एंड टूज टुगेदर। स्लो एंड जेंटली इनहेल रेस द राइट हैंड, ब्रिंग इट टू द ग्राउंड, जेंटली टर्न द पाम्स, कंटिन्यू द इनहेलेशन, ब्रिंग इट अबव द हार्ट, स्ट्रेच इट आउट, एक्सहेल द्वे, बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड गो टू द फाइनल पोजिशन ऑफ अर्ध कटी चक्रासन एंड होल्ड फॉर मिनिमम 30 seconds। आप अपनी समय सीमा बढ़ा सकते हैं अप टू 2 minutes, बट मिनिमम 30 seconds तक इसी आसन में होल्ड करिए। यदि अभ्यास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो आप वापस आ सकते हैं। और फाइनल पोजिशन में श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखें, चेहरे पर प्रसन्नता की भाव। इनहेल, स्लोली स्ट्रेच द राइट हैंड ऑफ, चत्वारी, एक्सहेल, ब्रिंग द राइट हैंड डाउन वेरी स्लोली टू द ग्राउंड, जेंटली टर्न द पाम एंड एक्सहेल कंप्लीटली, रिलीज द राइट हैंड, रिलैक्स फॉर ए व्हाइल इन तड़ासन। राइट साइड करने के बाद लेफ्ट साइड करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ कंप्लीमेंटरी स्थिति। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाए, स्लोली एंड जेंटली इनहेल, रेज योर लेफ्ट हैंड, टर्न द पाम, ब्रिंग इट अबव द हेड, कंप्लीट रिलैक्स, स्ट्रेच अप। ध्यान रखिए योर बाइसेप्स टच द एयर। एक्सहेल वेरी स्लोली बैक टुवर्ड्स द राइट साइड। धीरे धीरे कमर से राइट बाजू झुके, गो डाउन एज पॉसिबल एज कैन फॉर द फाइनल पोजिशन ऑफ अर्ध कटी चक्रासन। आइज क्लोज इन फाइनल पोजिशन। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, नेचुरल ब्रेथ एंड ब्रिंग ब्यूटिफुल स्माइल इन द फेस। Feel the pain on your left side of the waist region. Enjoy the pleasure of pain on the left side. Ardha Kati Chakra Asana, specialized asana for the liver function, sciatica pain, lower back pain, reduces extra fats on the hips region. Inhale, stretch off Trini, stretch your left hand off. Chattwari, completely exhale, very slowly bring it down, gently turn the palm and release the hand, relax for a while in Tadasana, eyes closed and watch the breath.
10 से 15 सेकंड तक हर आसन के बाद आप विश्राम करना जरूरी है। दिस बॉडी इज लाइक ए इलास्टिक की तरह है, तो उसको खींचते हैं तो वापस लाना जरूरी है। स्टिमुलेशन एंड रिलैक्सेशन इज अ कोर ऑफ प्रैक्टिसिंग आसन, स्टिमुलेट एंड देन रिलैक्स। जनरली क्या होता है कि एक आसन के बाद तुरंत हम दूसरे आसन में जंप मारते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने नहीं देते, तो इसलिए हर आसन के बाद 15 सेकंड तक रिलैक्स करिए। अभी देखेंगे ये आसन में हम जनरली गलती क्या करते हैं। गलती नंबर 1, दो लेग्स को बराबर मिलाते नहीं है, और यहाँ पर आने के बाद हम जो कमर से लेफ्ट बाज झुकते हैं, हम कमर से कम झुकते हैं, हेड जो देखा गया है क्लास में, हेड भी पहले झुका लेते हैं और हाथ इधर गैप है, हमको झुकना है कमर से। यहाँ पर ये बाइसेप, ये कंपटिव टच करने के बाद हमको झुकना है इधर से, ये तक टच रहना चाहिए, तो कमर से झुकना है यहाँ से लेफ्ट की ओर। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हेड को पीछे नीचे ज्यादा झुका लेते हैं, हेड फिक्स रहेगा, कमर से नीचे की ओर झुकना है, और ध्यान रखें कमर से सामने की ओर झुकना है, साइड से झुकना है। ये मिस्टेक ध्यान रखते हुए अर्धघड़ चक्रासन अभ्यास करेंगे। अभ्यास नंबर 2, कर्ण पादहस्तासन। नेक्स्ट प्रैक्टिस, जॉइन द हिप्स एंड टूज टुगेदर, पादहस्तासन। दिस इज कॉल्ड पाद, दिस इज कॉल्ड हस्त, ये दोनों को एक साथ लेके जाते हैं, इसके नाम है पादहस्तासन। इंग्लिश में कहते हैं सामने की झुकने के कारण, इंग्लिश का नाम है फॉरवर्ड बेंडिंग पोस्चर, सामने झुकने वाली आसन। जॉइन द हिप्स एंड टूज टुगेदर स्थिति, एकम रेज द हैंड साइड द बॉडी, ब्रिंग इट प्रेटी डाउन ऑन द शोल्डर लेवल, द्वे विद कंप्लीट रिलेशन स्ट्रेच द बॉडी अप, स्ट्रेच त्रिणी बेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द कॉक्सिक रीजन और बॉडी प्रेटी डाउन, चत्वारी कंप्लीटली एक्सेल, प्लेस द पाम्स बिसाइड्स द फीट ऑन द ग्राउंड, योर फिंगर टिप्स आर वन सिंगल लाइन, लेग्स एंड हैंड्स धीरे धीरे नीचे की ओर आराम से झुके, गुड़ाउन जितना हो सके नीचे की ओर झुकना है, ये पेट को थाइस लगाना है, फिर चेस्ट, फिर फोरहेड धरना है, पंच वर्टिकल ग्राउंड विद इनहेलेशन, षड इनहेल, सप्त एक्सहेल, अष्ट कंप्लीटली एक्सहेल एंड रिलीज। दिस इज कॉल्ड पादहस्तासन, कल्चरल पोस्चर, कंप्लीमेंट्री आसन इज कॉल्ड अर्ध चक्रासन। पादहस्तासन खास करके जिनको लोअर बैक पेन हो उनको नहीं करना है, हाई ब्लड प्रेशर में वहां पर जाके रुकना नहीं है, जा करके धीरे धीरे वापस आ सकते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर वहां पर ज्यादा समय तक होल्ड नहीं करना है। स्पाइनल यानी स्लिप डिस्क की शिकायत हो, सर्वाइकल पेन हो, लोअर बैक पेन हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। अभी आइए जानते हैं कि ये आसन करते समय में हम गलतियां क्या करते हैं। जब हम सामने की ओर झुकते हैं, हम कमर से झुकते कम है और पहले हाथों को लेके जाते हैं, जैसे शरीर पर जो खिंचाव पड़ना चाहिए, जो स्ट्रेचिंग होना चाहिए, वो नहीं होता है। हाथ यहाँ पर आने के बाद वो कनपट्टी के साथ फिक्स हो गया, अभी हमको यहाँ से झुकना है, हेड को सामने नहीं झुकाना है, या हाथ को सामने नहीं झुकाना है, हेड और हाथ एक साथ चलेंगे सामने की ओर। यहाँ पर आके बराबर पोजिशन कीजिए, तीसरा पोजिशन में, फिर चौथा पोजिशन में जाइए, तब जाके आपका पेट जो है, यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं कपाल में लगाए चलाते हैं, ये स्पाइन जो है पूरी कर्व बनती है, कमर से झुकना है इस तरह से, ऐसे ऐसे झुकाना नहीं है, ये गलती पर ध्यान देके ये अभ्यास करना है। दिस इज कॉल्ड पादहस्तासन, कॉम्प्लीमेंट्री आसन कॉल्ड। हर आसन के बाद हमको कॉम्प्लीमेंट्री का आसन करना चाहिए शरीर को बैलेंस करने के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री आसन कॉल्ड अर्ध चक्रासन,
half coil pose, very simple pose. Now three in Tadasana, join the heels and toes together. हथेली या कमर में सभी अंगुलियां सामने की ओर, सभी अंगुलियां सामने की ओर, सांस अंदर लेते हुए कमर से मैक्सिमम पीछे की उनकी ग्रो बैक एंड होल्ड द पोस्टर फॉर अ वाइल. थोड़े समय फाइनल पोजिशन में जाके होल्ड करना है, मिनिमम 30 सेकेंड्स. लुक बैक, आईज क्लोज्ड, बैलेंस मेंटेन करिए वो पोजीशन में. स्लोली बैक विद इनहेलेशन एंड रिलीज द हैंड्स. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल इन तड़ासना. आईज क्लोज एंड वॉच द ब्रेथ. हर आसन के बाद 10 से 15 सेकेंड शरीर को विश्राम देना है नेक्स्ट आसन जाने के पहले. अर्धचक्रासन में हम जनरली गलती क्या करते हैं, हाथ रखने का पोजीशन जो है हम हाथ को इस तरह से रखते हैं, जैसे शरीर पर जो प्रेशर पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ने वाला, हाथों को इस तरह से रखते हैं. ये हाथ को इस तरह से नहीं रखना है, हाथ को इस तरह से रखना है जो आपके कमर को सामने की ओर ढका दे, अपर पार्ट शरीर को पीछे की ओर झुका. देखिए ये शरीर को सभी अंगुलियां सामने की ओर, मैं पीछे लेकर रिस्ट को टच करता हूँ, टच करके ये हाथों से कमर को सामने की ओर प्रेशर देता हूँ कि सामने कमर जाए और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वो पीछे आए. तो इसको हाथों को इस तरह से रखना है, इसको ध्यान रखिए. अर्धचक्रासन लोअर बैक पेन वालों के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है. इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द स्पाइन. थाइस को एक्सरसाइज देता है, चेस्ट को एक्सरसाइज देता है, चेस्ट संबंधी बीमारियों को प्रोटेक्ट करता है. यह आसन छाती में ज्यादा चर्बियों को कम करता है, पेट को स्ट्रेच करता है, अस्थमा ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स वालों के लिए बहुत उपयोगी आसन है और साथ साथ सर्वाइकल पेन वालों के लिए भी यह आसन बहुत उपयोगी है. दिस इज कॉल्ड अर्ध चक्रासन. नाउ टुडे प्रैक्टिस वन मोर आसन कॉल्ड त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज, श्रीतलासन. Take your right leg apart. Ekam. Dwe. Inhale. Raise the hands at the body. Pull the ground. Kandhe ke level tak hands rakhiye barabar. Stretch karte hue. Ghutna tight rakhiye. Exhale. Slowly. Go down right side. Trini. Ghutna tight rakhte sides rakhiye. Try to touch your fingertips on the ground if possible. Left hand straight. Concentrate on the left hand tip of the middle finger, your palms facing forward. Chatwari with inhalation. Exhale. Pancha, release the hands. Shut up, bring right leg back. Six counts, three counts mein final position jana hai. Three counts mein wapas aana hai. Trikonasana. इंग्लिश नेम पर ट्रायंगल पोज, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कल्चरल. सेल्फ का मतलब राइट साइड में किया, फिर लेफ्ट साइड में. नाउ लेफ्ट हैंड साइड थ्री जनरलेक्स. टेक लेफ्ट लेग ए पार्ट. टेक द पोजिशन. जेंटली इनहेल. रेज योर हैंड्स साइड द बॉडी. पैरेलल टू द ग्राउंड. Exhale. Trini, go to the final position of Trikonasana. Left hand नीचे भी जाए और दाहिना हाथ के मध्य अंग देखिए. Hold the posture with normal breathing, eyes closed and keep smile. Palms facing forward. Knees should be straight. Enjoy the posture. Feel the stretching on your waist region, entire spine, thighs. Inhale, chatwari. Exhale, pancha. Bring the left leg back, sada. Sixth.
थ्री काउंट्स में जाना, थ्री काउंट्स में आना। त्रिकोणासन लगभग सभी लोग अभ्यास कर सकते हैं, सिंपल आसन है। गलती नंबर वन, जो गलतियां करते हैं दोनों लेग्स के अंदर गैप बराबर नहीं रखेंगे तो ये आसन बराबर नहीं होगा। घुटना बेंड नहीं करना है, दोनों हाथों को कंधे के लेवल तक सीधा रखना है, उसको नीचे नहीं करना है। और सामने झुकते समय कमर से सामने की ओर नहीं झुकना है, कमर से साइड से लेग्स के लेग्स को एंगल बनाते हुए लेग्स को अपना बनाते, लेग्स से अपना शरीर को आपका चेस्ट ये थाइस एक लाइन में आपको झुकना चाहिए, ना सामने की ओर झुकना चाहिए। इसको आप ध्यान रखें, झुकते समय जनरली घुटना बेंड हो जाता है, उसको ध्यान रखना है। कभी कभी आपके हील्स जो एड़िया है ये ऊपर उठ जाता है, उसको ध्यान रखना है, ये गलत या ना नहीं करना है। और त्रिकोणासन और त्रिकोणासन में जो कमर के एरिया है इसमें जो फैट्स होता है उसको कम करता है, लोअर बैक पेन वालों के लिए अच्छा है। सायाटिक का पेन वालों के लिए भी अभ्यास बहुत उपयोगी है, पेट में छाती के चर्बी को कम करता है। और बच्चे लोग अभ्यास करने से उनका फिटनेस बनाए रहता है और उनका हाइट बढ़ते हैं, तो ये अभ्यास फिटनेस के लिए भी बहुत सुंदर अभ्यास है। ये अभ्यास रेगुलर करते रहिए। आज मैंने चार आसन बताया, अर्धघन चक्रासन, पादहस्त आसन, अर्धचक्रासन और त्रिकोणासन। थैंक यू, धन्यवाद।